सर। सभी लोगों के बाल बिल्कुल जीरो कटिंग होना चाहिए आप लोगों का। यस सर। जब तक हम लोग प्रॉपर तरीके से अपने आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम और ऑनेस्टी, ये तीनों चीज़ें आप लोगों के माइंड में एकदम से घर करी होनी चाहिए कि इसके अलावा हम लोगों ने कुछ नहीं सुनना हमने। अगर ये तीनों चीज़ हम लोगों के साथ में है तो हम लोग कहीं भी पीछे नहीं रह सकते। सबसे पहले डिफेंस, एनडीए के लिए जो भी बच्चा तैयारी करने आया है उनमें से जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। नेक्स्ट राउंड आप लोगों का होना चाहिए और दून डिफेंस करियर पॉइंट की वॉल पे आप लोगों का फोटोग्राफ बहुत जल्दी चस्पा होना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब आप लोगों के अंदर डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम होगा। यहाँ पे हम लोगों को केवल हंस के नहीं चले जाना या 4 महीने 6 महीने या साल भर यहाँ पे अपना टाइम कंप्लीट करके नहीं चले जाना है घर को। कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में दून डिफेंस करियर पॉइंट का नाम जुड़ा हुआ है, और दून डिफेंस करियर पॉइंट अपने आप में एक डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन है। आप लोग किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेंगे। जो इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करना आपका काम है। चीजें हम आप लोगों को देने जा रहे हैं या दे रहे हैं जो डिसिप्लिन वे में है, आप लोगों को एक खाका दे दिया गया है कि मॉर्निंग शिफ्ट से लेकर और इवनिंग 10:30 तक हमारा जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अब आप लोग बिल्कुल दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि जिनको मार बांध के यहाँ पे लेके आया जाएगा। अगर आप लोग कहीं ना कहीं से देख के दून डिफेंस करियर पॉइंट पे आए हैं तो दून डिफेंस करियर पॉइंट का जो डिसिप्लिन है, जो दून डिफेंस करियर पॉइंट जो आपको मिरर दिखाना चाहता है, जिसके बिहा पे हमारे सिलेक्शन होंगे या जिसके बिहा पे हमारे लास्ट 6 ईयर्स के सिलेक्शन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी पंक्चुअलिटी को दिखाता है या हमारी हार्डवर्क को दिखाता है। हमारा हार्डवर्क, हमारी ऑनेस्टी हम लोगों के साथ प्रॉपर बनी रहेगी, और वो तब तक जब तक आपका कोऑपरेशन नहीं होगा। टीचर्स अपने आप में अपना बेस्ट दे सकते हैं आप लोगों को, आपके फिजिकल ट्रेनर आपको बेस्ट फिजिकल ट्रेनिंग दे सकते हैं, बट एटलीस्ट हार्डवर्क आपको करना है। आपका हार्डवर्क ही आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। दून डिफेंस करियर पॉइंट अपने आप में एक ऐसा नाम है जो आप लोगों को रिटर्न की तैयारी के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग, जिस ग्राउंड में आप लोग खड़े हैं इस ग्राउंड से हमारे हजारों हजार बच्चे डिफेंस में सेलेक्ट होकर आज की डेट पे देश की तीनों सेनाओं में अपना परचम लहरा रहे हैं। और वहीं अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो आप लोगों को उसी ऑनेस्टी के साथ में, ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों को ग्राउंड में जाने के लिए कहा जा रहा है और आप बड़े लेजीपन से निकल के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही घातक कर रहे हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो बच्चे कहीं ना कहीं अगर आप उन लोगों के साथ पर्सनल बैठ के एनडीए फाइट करने के बाद, एसएसबी क्लियर करने के बाद लास्ट दिन वो 6 मंथ का उसको मेडिकल अनफिट किया गया है, और 6 मंथ के बाद उसको दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो कहीं ना कहीं आज की डेट पे वो बच्चा रियलाइज करता है कि मैं कहीं ना कहीं अपना फिजिकल में डाउन रहा हूँ। आज उसको कैविटी की प्रॉब्लम आई है। अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले आपको माउथ फ्रेश करने के लिए अपना ब्रश टाइम पे करना होता है। सारी चीज़ें डिसिप्लिन वे में करेंगे तभी जाके होगा, यहाँ हंसने और कूदने से नहीं चलेगा कोई काम। आपका आईक्यू लेवल चेक होना चाहिए। आपका आईक्यू लेवल में आपका डिसिप्लिन आप लोगों को डिसाइड करता है। अगर आप लोग डीएल रोड से और यहाँ पे तक ग्राउंड तक आप लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका डिसिप्लिन एरिया देखा जाता है कि आप किस वे में आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। हम लोग आप लोगों को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट फैसिलिटीज देने की पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को किसी भी फील्ड में या किसी भी एरिया में आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। आप लोग देख रहे हैं आप जिस ग्राउंड में खड़े हैं, ऐसा ग्राउंड दून डिफेंस करियर पॉइंट के अलावा पूरे देहरादून में किसी के अंदर नहीं है, चाहे वो नाम कितना ही बड़ा बड़ा रख ले अपना। लेकिन जो एक फौजी के लिए जो ग्राउंड, जो उसकी जिंदगी है, अगर वो उसके पास नहीं है तो उसका सांस लेना दूभर है। अगर हमको कल की डेट पे जंगलों में ड्यूटी करनी है, सियाचिन की बॉर्डर पे ड्यूटी करनी है, तो कहीं ना कहीं अपना हार्ड वर्क हम लोगों को करना पड़ेगा, अपना फिजिकल मेंटेन करना में पहुंचना है। आपके पास सारे फिजिकल ट्रेनर आपके साथ में हैं। अगर आप लोग आने के इच्छुक होंगे तो सुबह 6:30 में आप लोगों को ग्राउंड में मिलूंगा। योगा सेशन हमारे कुछ बच्चों ने किया है हमारे साथ,
अगर आप लोग करने को तैयार हैं तो हम करवाने के लिए पूरी तरीके से आप लोगों के साथ में खड़े हैं। कल की डेट पे ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूशन ये नहीं करा रहा है, वो नहीं करा रहा है। अब आप दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि हम लोगों को आप लोगों को प्रॉपर उठाएं फिर आप लोग आए। जब तक आपके अंदर से एक एंथुसिज्म नहीं होगा, आप लोगों से एक अंदर एक आग नहीं होगी कि हमारे को अपना फिजिकल बेस्ट करना है, आपका फिजिकल बेस्ट होगा तो आपकी पढ़ने की क्षमता भी बढ़ेगी, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपको जल्दी से याद होगा, जिसके भी आप पे हम अपना रिटर्न फाइट कर सकते हैं। यहाँ तक भेजा है तो आप लोगों के लिए एक सपना देखा है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ मनी लेवल पे आपको अप कर सकते हैं, आपकी फीस आपको दे सकते हैं, आपकी पढ़ाई आपको दे सकते हैं, बट एटलीस्ट पढ़ाई आपको करनी है। क्या हम लोग मन लगा के पढ़ाई करेंगे अपनी? यस सर। आवाज नहीं आई? यस सर। क्या हम फिजिकल अपना पूरा जी जान से लेके करेंगे? यस सर। इसी के साथ जय हिंद। 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 नाउ थापा सर और नितेश थापा सर, आप लोगों को आगे फिजिकल की जो भी एक्टिविटीज हैं वो आप लोग कंटिन्यू करिएगा। यस सर। ठीक है। यस सर।